हाय फ्रेंड्स, दिस इज डी के स्पेशल एजुकेशन चैनल। इस चैनल पर आपको स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। फ्रेंड्स, अभी हमारे चैनल पर DSSB ने जो वैकेंसी निकाली है उसकी हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। हमारी रेगुलर वीडियोज़ आ रही हैं। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो कोई भी आपसे मिस ना हो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो इंडिया में स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित हैं। फ्रेंड्स, DSSB एग्जाम के रिगार्डिंग 3 टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं इस नेशनल इंस्टीट्यूट में से। या तो आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है नेशनल इंस्टीट्यूट्स की, या आपसे एस्टेब्लिश्ड ईयर, स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है कब वो उनकी स्थापना हुई, या फिर आपसे लोकेशन वो कहाँ पर स्थित है, भारत में वह कौन सी जगह पर स्थित है। इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आने कंपलसरी है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में। फर्स्ट, PDUIPH। फ्रेंड्स इसको IPH भी बोलते हैं। इसकी जो पूरी फुल फॉर्म है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड। फ्रेंड्स इसका जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है, स्थापना वर्ष है, ये 1976 में स्थापित किया गया। इसकी जो लोकेशन है वो ये इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में स्थापित है, ITO के पास। सेकेंड, अलिम्को। इसकी जो फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन। इसका जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है, स्थापना वर्ष है, यह इंस्टीट्यूट 1975 में स्थापित किया गया। इसकी जो लोकेशन है ये कहाँ पर स्थित है, यह इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थित है। थर्ड, SV निर्तार्थ। इसकी जो फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसका जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है, स्थापना वर्ष है, यह इंस्टीट्यूट 1975 में स्थापित किया गया। इसकी जो लोकेशन है, कहाँ पर यह इंस्टीट्यूट स्थापित है, यह इंस्टीट्यूट उड़ीसा के कटक में स्थित है। फोर्थ, NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड। इसका जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है, स्थापना वर्ष है, यह इंस्टीट्यूट 1979 में स्थापित किया गया। इसकी जो लोकेशन है यह कहाँ पर स्थित है, यह देहरादून में स्थित है। फिफ्थ, NIOH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। इसका जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है ये 1982 में स्थापित किया गया। इसकी जो लोकेशन है ये कहाँ पर स्थित है, यह कोलकाता में स्थित है। सिक्स्थ, NIMH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड। फ्रेंड्स इस इंस्टीट्यूट का नाम अब बदल दिया गया है। इसका जो नया नाम है वो NIPID है, NIEPID। इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। यानी जो मेंटल रिटार्डेशन जो पहले वर्ड था उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में चेंज कर दिया गया है। इस इंस्टीट्यूट का जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है, स्थापना वर्ष है, वो 1984 में ये स्थापित हुआ। इसकी जो लोकेशन है ये सिकंदराबाद में है, मध्य प्रदेश, सिकंदराबाद। सेवन्थ, AYJNIHH। फ्रेंड्स इस इंस्टीट्यूट की फुल फॉर्म है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड। इसका जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है, स्थापना वर्ष है, ये 1983 में स्थापित हुआ। इसकी जो लोकेशन है, स्थान है, ये कहाँ पर स्थित है, ये मुंबई में स्थित है। एट्थ, NHFDC। इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इस इंस्टीट्यूट का जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है, स्थापना वर्ष है, ये 1997 में स्थापित हुआ। इसकी जो लोकेशन है ये कहाँ पर स्थित है, ये हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। नाइन्थ, NIPMD। फ्रेंड्स जो NIPMD है और जो NIPID है इसमें आप कन्फ्यूज ना हो। जो NIPID है वो NIMH का ही नाम बदल के NIPID कर दिया गया है, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट है ये अलग है, ये है NIPMD, NIEPMD। इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। इसका जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है, स्थापना वर्ष है, ये 2005 में स्थापित किया गया। इसकी जो लोकेशन है, कहाँ पर ये स्थापित है, ये चेन्नई में स्थापित है। 10, NIEPA, इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है फ्रेंड्स, स्थापना वर्ष है, ये 1979 में स्थापित किया गया। इसकी जो लोकेशन है ये कहाँ पर स्थित है, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्ट दिस चैनल।